प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात कर रहे हैं वैदिक गणित के एक और महत्वपूर्ण सूत्र की। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में एक महत्वपूर्ण सूत्र जिसका नाम था एकाधिकेन पूर्वेन के बारे में बात की थी, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक और जो महत्वपूर्ण सूत्र है जो है निखिलम नवतः चरमम दशतः, इस सूत्र के बारे में हम बात करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा सूत्र है वो है निखिलम नवतः चरमम दशतः। अगर इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ है सभी नौ से अंतिम दस से, सभी नौ से अंतिम दस से। तो प्यारे विद्यार्थी, वैदिक गणित में ये हमारे पास शब्द सूत्र होते हैं, तो इन शब्द सूत्रों की सहायता से हम गणित की बड़ी बड़ी समस्याओं को बहुत फास्ट तरीके से उनको हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी से संबंधित हमारा ये निखिलम, इसको शॉर्ट में निखिलम सूत्र भी हम कह देते हैं। तो निखिलम सूत्र है, अर्थ है सभी नौ से अंतिम दस से। अगर इंग्लिश में बात करें तो ये है हमारे पास आल फ्रॉम नाइन एंड लास्ट फ्रॉम टेन, तो ये इसका अर्थ हो गया, साधारण शब्दों में इसका अर्थ हो गया। अब इसका गणितीय अर्थ की अगर हम बात करें तो इसका जो गणितीय अर्थ है यह है किसी संख्या के क्रियात्मक आधार से पूरक ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसी संख्या के क्रियात्मक आधार से पूरक ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको अगर हम इंग्लिश में हम बात करें तो यह है सब्ट्रैक्शन फ्रॉम बेस, सब्ट्रैक्शन फ्रॉम बेस। सपोज करिए हमें पांच का क्रियात्मक आधार से पूरक, पांच का क्रियात्मक आधार से पूरक हमें ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है वो क्या होगा। हम देखो इसमें वन डिजिट है तो जीरो लगाएंगे, वन डिजिट है क्योंकि, तो वन जीरो और इसके साथ वन। तो इसका जो क्रियात्मक आधार है, जो इसका बेस है वो 10 है, तो 10 में से इसको माइनस कर देंगे, 10 माइनस 5 कितना आ जाएगा 5। एक और देखते हैं, सपोज करो हमारे पास 7 है, तो 7 का क्रियात्मक आधार से पूरक, तो इसमें भी वन डिजिट है तो 10 होगी यूज और साथ में 1 लिख देंगे, तो ये इसका क्रियात्मक आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और इसमें से 7 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से सपोज करो हम ले रहे हैं 68, तो 68 का क्रियात्मक आधार से पूरक, अब देखो इसमें 68 है तो इसका बेस, पहले हमें बेस देखना है, तो इसमें 2 डिजिट है तो 20 लगा लेंगे और साथ में 1, और इसमें से क्या करेंगे 68 माइनस कर देंगे। अब देखो यहां से तो हमें वैसे ही पता चल रहा था, कैलकुलेशन बहुत सिंपल थी, यहां पे भी इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है तो आप यहां पे भी सिंपली कर सकते हो। लेकिन अब देखो यहां से जब 100 में से 68 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। अब देखो क्या है, अगर इस सूत्र की बात करें, इस सूत्र की एप्लीकेशन की बात करें तो देखो कैसे अप्लाई हो रहा है। इसने कहा था सभी नौ से और अंतिम दस से, सभी नौ से और अंतिम दस से, तो इसके लिए देखो इसका पूरक ज्ञात करने के लिए आप ये निखिलम सूत्र लगा सकते हो, सभी नौ से और अंतिम दस से, तो अंतिम 8 है, 8 को 10 में से माइनस करोगे तो 2 मिल जाएगा, 68 है ना, तो इसमें अंतिम तो हमारे पास 8 है, तो इसको 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो 2 मिल जाएगा, और बाकी का बाकी सभी को 9 से, तो 6 को 9 में से माइनस करेंगे तो 3 मिल जाएगा, तो 32 आ जाएगा हमारे पास, 32 आ गया। थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, अब की बार हम ले लेते हैं जैसे 3458 का क्रियात्मक आधार से पूरक,
अब देखो इसमें फोर डिजिट है, हम 40 लगा लेते हैं और 1 लगा लेते हैं, तो इसका जो बेस है वो कितना है 10,000 माइनस 3,458। अब देखो इसको माइनस करने का तरीका क्या है कि अंतिम 10 में से, तो इसको 10 में से माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, बाकी जितने हैं सभी को 9 में से, 9 में से 5 4 आ जाएगा, 9 में से 4 5 आ जाएगा और 9 में से 3 6 आ जाएगा, तो ये इसको माइनस करके हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से हम ये जो एप्लीकेशन सूत्र को हम किस तरह से प्रयोग करते हैं, इस तरह से हम इस सूत्र का यूज करते हैं। अब सपोज करो आपके पास आ जाता है कि आपसे कहा जाए कि 5,200 का क्रियात्मक आधार से पूरक हमें ज्ञात करना है, तो इसके लिए देखो आप क्या करेंगे, पहले तो इसका क्रियात्मक आधार देखो कितना है, इसका जो क्रियात्मक आधार है फोर डिजिट है तो 40 लगा के 1 लगा देंगे, यानी कि 10,000 ही है, माइनस 5,200 5,200। अब इसमें देखो आपको ध्यान रखना है कि ये 20 है लास्ट में, तो ये 20 तो आपने ऐसे ही लिखनी है, नॉन जीरो डिजिट यहां से शुरू होते हैं, ये है तो अंतिम इसमें 2 है, तो 2 को 10 में से करेंगे तो 8 आ जाएगा और बाकी को 9 में से करना है, यानी कि 9 में से 5 को करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखेंगे अगर अंत में 0 है तो उन 0 को ऐसे ही लिख देंगे और जो नॉन जीरो डिजिट है उससे फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब सपोज करो कि हमें इसी क्वेश्चन को इसके लिए करना है, यहां पे हमारे पास सब्ट्रैक्शन फ्रॉम बेस है, तो हम बात करें सब्ट्रैक्शन फ्रॉम मल्टीपल ऑफ बेस, अगर हमें करना पड़ जाए सब्ट्रैक्शन फ्रॉम मल्टीपल ऑफ बेस अगर हमें करना पड़ जाए तो हम कैसे करेंगे, इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो हमें करना है 5,000 में से माइनस करना है 368 को, तो ये देखो कैसे करेंगे, ऐसा ही है जैसे ये है। अब देखो 368 के लिए, 368 के लिए जो आपका बेस होना था 30 लगनी है और उसके आगे 1 लगना है, तो 30 और उसके आगे 1 लगना था, यानी कि 1,000 होना था और आपका बेस कितना है 5,000, यानी कि मल्टीपल है इसका, मल्टीपल ऑफ बेस है। तो इस तरह के केस में आप क्या करेंगे, आप सिंपली ये जो बेस है, ये जो सबसे पहले है हमारे पास ये वाला है फर्स्ट जो डिजिट है, इसको 1 कम कर देंगे, 4, 5 है तो हमने यहां क्या लिख दिया 4, और बाकी इस डिजिट पे ये जो डिजिट है इस पे यही हम निखिलम अप्लाई कर देते हैं, तो निखिलम अप्लाई करेंगे तो यहां पे से अंतिम 10 में से यहां पे 2 आ जाएगा, 9 में से 6 3 आ जाएगा और 9 में से 3 6 आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल इजी है, आप इस तरह से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक और देखते हैं, सपोज करो आपके पास है मल्टीपल ऑफ बेस ही ले लेते हैं माइनस 32 ले लिया, 32 ले लिया, अब ये तो 7,000 हो गया और ये 32 हो गया, 32 जितने जीरो है, कितनी जीरो होती है देखो आप यहां पे ध्यान से देखो, 10 है क्योंकि 1 डिजिट था, 20 है 2 डिजिट था, 40 है 4 डिजिट थे। अब हमारे पास अगर 30 है तो 3 डिजिट होने चाहिए ना, तो अगर 3 डिजिट नहीं है तो पहले हम क्या करेंगे, 3 डिजिट पूरे करेंगे, तो पहले हम 3 डिजिट पूरे कर लेंगे, 7 यहां पे 032 लिख देते हैं, यहां पे हमने एक 0 लगा दी। अब देखो मल्टीपल ऑफ बेस है तो 7 में से 1 माइनस कर देते हैं तो 6 आ जाएगा और बाकी इसके लिए हम निखिलम अप्लाई कर देते हैं,
तो जब निखिल हम अप्लाई करेंगे तो अंतिम है वो 10 में से 8 आ जाएगा, 9 में से 3 6 आ जाएगा और 9 में से 0 9 आ जाएगा। तो बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि डिजिट पूरे कर लेने हैं। जैसे अब यहां पे अगर बेसिकली बात करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब हम क्रियात्मक आधार से पूरक निकालते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइज अगर हम इसको डिस्कस करें तो सबसे पहला पॉइंट है जब हम क्रियात्मक आधार से पूरक निकालते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जितने डिजिट है उतनी जीरो लगा के उसके आगे वन लगा देंगे तो ये हमें बेस मिल जाएगा। और बेस में से उसमें से माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे कि अंतिम को 10 से और बाकी सभी को 9 से माइनस कर देंगे। तो इसमें हमने इसमें इसमें यही किया। मान लो इसमें अगर 4 डिजिट है तो 4 डिजिट के लिए 4 जीरो उसके आगे 1, यानी कि हमारा जो बेस है वो कितना है 10,000 है। और इसमें से माइनस करने के लिए जस्ट हमने क्या किया, निखिलम अप्लाई कर दिया अंतिम 10 में से बाकी सारे 9 में से। अब यहां पे एक बात आपको, दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है कि कई बार जो अंत में जीरो आ जाती है, जीरो एक आ जाए, दो आ जाए या तीन आ जाए, जितनी भी आ जाए, तो सबसे पहले तो बेस ही देख लो इसको, टोटल 4 डिजिट है तो 4 जीरो लगा दी तो ये हमारे पास बेस हो गया 10,000। अब इसमें से ये माइनस करना है यानी कि इसका पूरक निकालना है, तो इसके लिए जितने जीरो है अंत में उनको तो एज इट इज लिख देंगे, इन दो जीरो को तो हमने एज इट इज लिख दिया। जहां से नॉन जीरो शुरू होते हैं वहां से हम निखिलम अप्लाई कर देंगे यानी कि अंतिम 10 से और बाकी सारे 9 से, तो ये हमने अप्लाई कर दिया। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो मल्टीपल बेस है, यानी कि हमारे पास जो बेस है वो तो क्या है 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह से है। यहां पे अब जो मल्टीपल ऑफ बेस है जैसे 200, 300, 4000, 5000, उसके लिए आपको क्या करना है, दो फॉर्मूलों का मिक्सचर है, आपको एक न्यूनेन भी करना पड़ेगा, एक न्यूनेन मतलब एक कम करना पड़ेगा। तो ये है जो हमारे पास दो फॉर्मूलों का मिक्सचर हो जाता है, निखिलम और एक न्यूनेन का। अब आप यहां से 5000 माइनस 368 है हमारे पास, तो अब आप देखेंगे कि 30 है तो यहां पे इसके लिए पहले आप देख ले कि 368 30 बनेंगे यानी कि इसका आगे 1 लगेगा, तो इसका जो बेस होगा वो क्या होगा 1000 होगा। 1000 की जगह पे 5000 है, 1000 की जगह पे 5000 है, तो इसका मतलब ये मल्टीपल ऑफ बेस है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो ये है फर्स्ट डिजिट इसको इसमें से 1 माइनस कर देंगे और बाकी इस पे जो बचा है उस पे फिर वही निखिलम अप्लाई कर देंगे, ये हो गया। दूसरा केस ये है, देखो यहां पे 7000 में से 32 माइनस करने हैं, तो 32 तो 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगेंगी। ये पॉइंट हो गया। तो फोर्थ इंपॉर्टेंट बात की बारे में बात करें तो यहां पे 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगेंगी और 1, तो इसके लिए तो बेस हमारा क्या बनेगा 100, लेकिन यहां पे क्या हुआ है 7000, तो हमारे पास 30 है यानी कि 3 डिजिट पूरे कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने 3 डिजिट पूरे कर लिए, अब पहले तो एक न्यूनेन कर दिया, एक कम कर दिया और जो है बाकी का बचा हुआ उस पर निखिलम अप्लाई कर दिया अंतिम 10 में से और बाकी सभी 9 में से, तो इस तरह से हमने इसको सोल्व कर लिया। तो प्यारे बच्चों, ये हमने जो हमारा निखिलम नवतः चरमम दशतः सूत्र है इसका बेसिक किया। जैसे जैसे हम बाकी फॉर्मूले भी अच्छी तरह से कर लेंगे एक बार, तो इनकी जो मिक्स जो प्रॉपर्टीज है, जैसे किसी समस्या में एक से ज्यादा, यहां पे जैसे एक न्यूनेन और निखिलम यूज हुआ, तो जैसे जैसे हम सारे सूत्र के बारे में एक बार जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो हम बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशन हम जिसमें मिक्स सूत्र का प्रयोग करेंगे, दो या दो से ज्यादा सूत्रों का प्रयोग करके कैलकुलेशन को बहुत फास्ट तरीके से हम कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।